Hello, welcome to another cooking vlog from Amrita's daily life and it is my kitchen. आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पाम जो होता है ना वो फ्रूट, हम लोग बंगाल में ताल बोलते हैं, ताल। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है इसका नाम मैं डाल दूँगी। तो उसको मैंने आपको वीडियो में शेयर किया, वो वाला फ्रूट अंदर का जो ये पल्प वाला हिस्सा है मैंने निकाल लिया है और अब इसको दिस वन इसको ऐसे इसको खींच के इसका पल्प निकाल रही हूँ। और इसके बाद इसका दो रेसिपी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ पाने के लिए कुछ मतलब हार्डवर्क तो बनता है, हार्डवर्क करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा काम है जो पल्प निकालना, किसके इसको और कुछ नहीं, इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। बस मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट, और ग्रेटेड कोकोनट मैंने आप बाज़ार में भी अभी अवेलेबल है, ये ग्रेटेड कोकोनट मैंने लिया है। अलमंड इसको सोक करने के लिए रखा है, इसको भी मैं पाउडर बना लूँगी, मतलब दरदरा सा बना लूँगी। चीनी का आप पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हो और बिना पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका मैं बनाऊँगी पकौड़ा और खीर, तो दो रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। ये जो सावन का महीना होता है इस महीने में ये फ्रूट अवेलेबल होता है मार्केट में, और गाँव में ये प्लेंटी ऑफ अवेलेबल होता है हमारे बंगाल में, तो हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और तो चलिए रेसिपी की ओर, अगर आपको अच्छा लगे बिल्कुल ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, इसका स्मेल बहुत ही टेम्प्टिंग होता है, और कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शायद बंगाल के बाहर ये मिलता है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, वेजेस एंड ब्रोसेस, एंड यू कैन इम्प्रूव योर कुकिंग स्टाइल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का फ्रूट, ये रेनी सीजन में अवेलेबल होता है प्लेंटी ऑफ विलेज साइड में, ये पेड़ बहुत बहुत ये मिलता है। इस ये फ्रूट से कई तरह के चीज़ हम लोग बनाते हैं बंगाल में, बहुत ही फेमस है। इससे इसका जो रस है उससे गुड़ भी बनता है, और ये जो फ्रूट है इससे कुछ जैसे घरेलू मिठाई, पकोड़े, पूरी, खीर सब कुछ बनता है, स्वीट टाइप की रेसिपीज़। तो आज आपके साथ बिल्कुल बंगाल के ट्रेडिशनल रेसिपी मैं शेयर करूंगी, और ये जो रेसिपी मैं शेयर करूंगी हम लोग घर में जैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से, मेरे वीडियो में बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश किया है, कुछ बनावटी नहीं है, और इसी तरीके से आप भी बना सकते हो और खुद सबको खिला सकते हो अगर आपके पास ये फ्रूट अवेलेबल है। मैंने इसका जो पल्प इसको निकाल लिया है, जो ये जो काला जो छिलका पोर्शन है उसको अलग करना पड़ता है, और अंदर तीन बड़े बड़े सीड निकलता है, और ये इससे मैं जो रेसिपी बनाऊंगी, ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने लिया है बादाम, अलमंड, सूजी, फिर लिया है इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, फिर राइस फ्लावर और नारियल, ग्रेटेड नारियल फ्रेश, डस्ट नारियल भी ले सकते हैं मगर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, और अलमंड की जगह आप दूसरे ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये जो अवेलेबल था मैंने उसी से किया है।
खीर बनाने के लिए दूध भी आप ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक बिल्कुल स्वीट एकदम नहीं है, थोड़ा सा इसमें तीखा या ऐसे टेस्ट रहता है, तो इसीलिए सफिशियंट अमाउंट शुगर चाहिए। तो मैंने इसमें कॉन्डेंस मिल्क यूज़ किया है। अभी पकौड़ा बनाने के लिए जो पल्प है इसके साथ मैं कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, थोड़ा सा इसमें सूजी पाउडर, सूजी और जो राइस फ्लावर लिया है उसको ऐड करूँगी, और चीनी भी जितना हमें ज़रूरत है उतना ही मात्रा में ऐड करना है। ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे तो ये जो पकौड़ा है ना तेल में कढ़ाई में लग जाएगा, वो अच्छा नहीं बनता है। अगर ज़रूरी होता है तो चीनी अगर ज़्यादा ऐड हो गया तो हमें तब उस टाइम मैदा यूज़ करना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो फिर इसका जो फ्लेवर है ये बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इसीलिए हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अगर ज़्यादा चीनी ऐड हो गया तो फिर उसको संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैदा हम ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, मैंने कोशिश किया है शैलो फ्राई करने की, फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। अभी हम सेकंड रेसिपी जो शेयर करेंगे वो है पूरी। इसमें मैंने मैदा लिया है और मैदा के साथ जो पल्प है तो थाल का उसको ऐड करके सिंपल सॉफ्ट डो बनाना है। उसमें ना तो मैंने ऑयल ऐड किया या फिर शुगर ऐड किया, बस इस जैसे सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ के रखना है और तब तक मैं दूसरे जो प्रिपरेशन दिखाऊंगी आपको उसको मैं तैयार करूंगी। तो अभी इसका छोटा छोटा लोहिया बना के इसको हमने ऑयल में, जैसे पूरी को हम तलते हैं डीप फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई करना है बेल के, बस हो गया है। और इसमें जो ऑयल जो फ्रूट है ना ये इसका भरपूर फ्लेवर रहता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको आप खीर के साथ भी खा सकते हो। मेरे पास कॉन्डेंस मिल्क था, उसी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। और ना तो आप या फिर आप खीर के साथ भी इसको खा सकते हैं, थोड़ा सा मीठा टेस्ट रहता है इसमें, इसीलिए बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी जो थर्ड रेसिपी है ये खीर के लिए, मैंने दूध को उबाल लिया है, उसके साथ पल्प को ऐड करती जाऊंगी। दूध थोड़ा सा फट जाता है क्योंकि ये पल्प जो है इसमें जो टेस्ट रहता है ना इसीलिए थोड़ा सा दूध का डिफॉर्मेशन होता है, मगर फिर भी टेस्ट बराबर रहता है। इसमें थोड़ा चीनी जो है ज़्यादा ऐड करना होता है। खीर या फिर कंडेंस मिल्क आप अच्छे से ऐड कर सकते हो तो वो तीखापन, मतलब थोड़ा सा बिटर टेस्ट जो होता है वो नहीं रहता है। मैंने ऐसे ही इसको ऐड करती गई और इसको चलाना पड़ेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा अपने आप, बहुत तुरंत बन जाता है। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड किया है, और इलायची पाउडर और कुछ नहीं, मैंने जो अलमंड लिया था उसको सोक करके रखा था और उसको मैंने ग्रेट मिक्सर में थोड़ा सा ग्रेट किया है, उसको पीस लिया है, पूरा पेस्ट नहीं आधा दरदरा। तो अभी उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लूँगी तो ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
हमारा जो खीर है ये बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा ये ऐसा जो बादाम जो मैंने लिया है वैसे ही हमें लेना है। तो मेरा ये वाला जो खीर है अभी ये खीर भी बनके तैयार हो जाएगा। देखने में भी बहुत डिलीशियस और खाने में भी उससे अच्छा। तो ये सावन का जो महीना है स्पेशली इसी महीने में ये फ्रूट अवेलेबल होता है। तो अभी ये बर्तन में मैंने डाल दिया है, इसको निकाल रही हूँ। ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। तो इसके साथ मैं डेकोरेशन के लिए इसको गार्निश करूँगी, वही कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी थोड़ा ऊपर से और ग्रेटेड कोकोनट को थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये रहा हमारा जो पकौड़ा मैंने बनाया है उसी को, और ये है खीर। तो मेरा जो आज का रेसिपी है बन के तैयार है, और मैंने तीन रेसिपी शेयर किया है इस वीडियो में। ताल जो है, हम लोग बंगाल में इसको ताल बोलते हैं, हिंदी में जो बोलता है वो मैं शेयर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें देख लेना, टाइटल में भी डलेगा। ये तीनों रेसिपी हम बंगाल में बहुत ही फेवरेट है, फेमस है। और सावन जो बारिश मतलब रेनी सीजन में ये फ्रूट अवेलेबल होता है और घर घर में ये बनता है, ज़रूर बंगाल में सारे घर में ये बनता है। और मैंने इजी तरीका से इसको बनाया। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और